आज सुल्तानपुर आए थे किसान महापंचायत में, किस तरीके से किसान देश नहीं, नहीं, लिए आज बड़ी पंचायत नहीं थी, कुछ लोग दूसरे संगठनों में थे वे शामिल हुए, उनको शामिल करा और हम जन सुनवाई के काम करेंगे। अब आने वाले टाइम पे जनसत्य सीधा संवाद, क्योंकि जनता की समस्याएं हैं, नेताओं की समस्या नहीं है। हमारे यहाँ पे भी नेता बड़े हो गए, वे जनता के बीच में नहीं जा रहे, तो हमको जाना पड़ेगा सीधा जन सुनवाई के माध्यम से। पीएम मोदी ने कहा 2017 में कि किसानों की आय दूनी करेंगे और 2024 में उनका बयान आया कि आय दूनी हो गई। महंगाई ज्यादा बड़ी हुई या किसानों की आय? महंगाई बढ़ी, आमदनी घटगी। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन, उसमें मध्य प्रदेश में आज से 2012-13 में 3,000 से 4,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन का रेट था और आज भी वही रेट है। आज करीब 12 साल बाद में भी वही रेट है। MSP 4,800 रुपया है और वहां के किसान की डिमांड है कि 6,000 रुपए से ऊपर हो। फसलों के दाम नहीं है, फसलों के दाम इसलिए नहीं है कि जमीन लूटनी है। जमीन से किसान नफरत करें और व्यापारी जमीनों को खरीदते, ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे किसान की बहुत स्पीड से जमीन जा रही है। आपको डैमेज करने के लिए, आप पर विवादित टिप्पणी के लिए भाजपा ने अपने नए नवेले सांसदों को उतार रखा है। हाँ, रणनीति के तहत आप पर हमला हो रहा है। हम पे क्या, हमने तो पूरे देश पर हमला हो रहा है, कैमरा और कलम पे भी बंदूक का पहरा है। अगर इनको भी आजादी मिल जाए तो भी काम चल जाए। अब जब कोर्ट के घर पे जाके भोजन करेंगे, उन्हीं की ड्रेस पहन के करेंगे, तो देश में बचा नहीं कुछ। प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के यहाँ जाकर गणेश वंदना कर रहे हैं, क्या लगता है कि देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश का संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारे काबू है सारी चीज। जिले की आम जनता परेशान है, जिसमें अधिकारी नहीं सुनते उनके खिलाफ क्या करना। देखो, अधिकारी नहीं सुन रहे तो भाई मूवमेंट धरने पे बैठना सीख ले, नहीं बैठोगे शांतिपूर्ण तरीके से। ये नहीं कि डड़े लेगा आप बैठोगे गाड़ियां तोड़ोगे, वो नहीं, आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठो और अपनी बात को, वही एक समाधान अब है, दूसरा कोई समाधान नहीं है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में पहले चरण में 175 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते हैं और वो इनकाउंटर का सिलसिला लगातार पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है। क्या लगता है कि क्राइम ज्यादा है या इनकाउंटर ज्यादा है? इनकाउंटर ज्यादा है, क्राइम एनकाउंटर से कम नहीं होगा, सजाओं से कम होगा। और क्या एनकाउंटर अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो बंद हो जाता है? जिसके खिलाफ 10 मुकदमे, बीजेपी का पटका कर लो सब माफ, क्या ऐसा क्या व्हाइट वॉश ले रहे हैं ये? योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को कहीं ना कहीं अन्य राज्य भी अपना रहे? नहीं, अभी 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 योगी जी दिल्ली चले जाएंगे, इनसे पूरे देश में बुलडोजर चलवाया जाएगा। अभी नहीं, अभी तो देखते रहना क्या क्या होगा। अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार सरकार करे उसके बारे में आप बताइए। कोर्ट है तो कोर्ट बताएगा। नहीं, जैसे जैसे एनकाउंटर अगर कर रही है भाई, एनकाउंटर हमने कहा कि डकैती से डकैती झूठी, डकैती सच्ची, एनकाउंटर झूठा। ये बताइए आज यहाँ सुल्तानपुर में एक चीनी मिल है, चीनी मिल पे बिल्कुल परेशान है, चीनी मिल पे काम करना चाहिए, यहाँ पे संज्ञान में लेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चीनी मिल चढ़ी होगी है। जिन छोटा जानवरों के लिए सरकार सत्ता में आई उस पर काम करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे गौशाला बनी है, सांडशालाएं बनी हुई है हमारी, वो भी एक किस्म से जेल है। इतना फंड उस पर देना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा, वो एक किस्म से पशु की कैद है वो। अगली रणनीति राकेश टिकैत की क्या होगी? हमारे तो हम पूरे देश भर में जा रहे हैं, हमारी मीटिंग है सब जगह लगी हुई है और पूरा देश अब जाग रहा है धीरे धीरे।